अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या हाल चाल है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Mi 11 फ़ोन के बारे में, जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसकी प्राइस क्या आपको पाकिस्तान में मिलेगी और कब तक आपको पाकिस्तान में मिलेगा इसके बारे में भी बताता हूँ। तो अगर आपने आईफोन की जगह एंड्रॉयड वाला कोई फ़ोन लेना है तो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला अब तक का ये लेटेस्ट फ़ोन है, जो कि स्नैपड्रैगन 880 वाला जो लेटेस्ट चिपसेट है 5nm टेक्नोलॉजी वाला उस पर आपको मिलेगा। तो इसके फ्रंट पे आपको ग्रीला ग्लास विक्टस लेटेस्ट देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम है और ये कर्व्ड डिस्प्ले है, फुल एमोलेड वाला 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है, क्वाड एचडी वाला 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, एचडीआर 10 प्लस की सपोर्ट है और 1500 निट्स तक ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले और बिल्ड के मामले में तो तबाही है ये फ़ोन। एंड्रॉयड 11 इसमें आपको लेटेस्ट मिलेगा और स्नैपड्रैगन 880 वाला चिपसेट है एड्रीनो 660 वाले जीपीयू के साथ। इसमें तीन वेरिएंट चाइना में लॉन्च हुए हैं, 8GB 128GB और 12GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट भी इसमें आपको मिलता है। बैक पे तीन कैमरे हैं जो कि आपको स्क्वायर शेप के अंदर मिलते हैं, 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, OIS की सपोर्ट के साथ आता है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 का मैक्रो सेंसर है, 8K वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps तक मैक्सिमम बैक कैमरा के जरिए और फ्रंट पे 20 मेगापिक्सल का आपको पंचल कैमरा मिलता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर है और सभी सेंसर भी आपको मिल जाएंगे। 4600mAh की बैटरी इस दफ़ा लगाई गई है, जबकि Mi 10 जो प्रीवियस इसका फ़ोन था उसमें आपको 4780mAh के करीब बैटरी मिलती थी, तो बैटरी थोड़ा कम की गई है, लेकिन फ्लैगशिप जो दूसरे फ़ोन हैं सैमसंग हो गया एप्पल वगैरह से आप कंपीट करते हैं तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। आपको 55W की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 100% आपकी बैटरी सिर्फ 45 मिनट में ये कर देगा और वायरलेस चार्जिंग भी 50W की मिलती है और इधर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है 10W तक का। तो इसमें तीन वेरिएंट चाइना के अंदर लॉन्च किए गए हैं, जो 8GB 128GB वाला बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस अगर पाकिस्तानी कन्वर्ट करते हैं तो आपको 94,000 मिलती है और 8GB 256GB वाला वेरिएंट 1,03,000 का पड़ता है पाकिस्तानी रुपीज़ का और जो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरियंट है उसकी प्राइस अगर पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो 1,13,000 के करीब बनती है। तो ये प्राइसेज विदाउट PTA टैक्सीज हैं और चाइनीज़ प्राइस हैं, पाकिस्तान में देखते हैं क्या प्राइसेज के साथ ये आता है और ग्लोबली अगर हम इनकी पाकिस्तान में लॉन्च डेट की बात करें तो ये आपको 21 के फर्स्ट क्वार्टर में मिल सकता है, हो सकता है जनवरी के लास्ट या फरवरी के मंथ में आपको ये मिल जाए। बहुत ही किलर किस्म का फ़ोन है, अगर अपने परफॉर्मेंस और कैमरा के लिए फ़ोन लेना है तो तबाही है। तो जैसे ये फ़ोन पाकिस्तान में आएगा आपको डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर मिलेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।